Assalamu alaikum, my name is Saba Akram from Department of Chemistry, UCP. My instructor name is Ma'am Sadaf Javed. My topic of presentation is Chemistry of Perfumes. Majority of people like perfume, they also wear perfume. Sirf ye cheez vary karti hai ki kuch logon ko bahut zyada high concentrations wale perfume acche lagte hain aur kuch logon ko bahut light, delicate fragrances wale perfume acche lagte hain. बेसिकली परफ्यूम एक ऐसी प्रोडक्ट है जो किसी भी जगह पे आपकी प्रेजेंस को यूनिक बनाती है और आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है. इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी कि परफ्यूम्स होते क्या हैं और मेजरली परफ्यूम्स की केमिस्ट्री क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ परफ्यूम? परफ्यूम होता क्या है? परफ्यूम इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्रेग्रेंट एसेंशियल ऑयल और अरोमा कंपाउंड्स, फिक्सेटिव एंड सॉल्वेंट्स यूज्ड टू गिव अ प्लेजेंट स्मेल टू वन्स बॉडी. परफ्यूम एक ऐसा मिक्सचर है किन चीज़ों का? एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंट ऑयल, अरोमा कंपाउंड और सॉल्वेंट का, जो आपकी बॉडी को एक नाइस फ्रेग्रेंस या प्लेजेंट स्मेल देते हैं. अब ये अरोमा कंपाउंड, फिक्सेटिव और सॉल्वेंट्स होते क्या हैं, ये मैं फर्दर प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी. द वर्ड परफ्यूम वॉज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परफ्यूमर विच मीन टू स्मोक थ्रू. जो परफ्यूम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड परफ्यूमर से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है टू स्मोक थ्रू. बेसिकली पर मीन थ्रू एंड फ्यूमर मीन टू स्मोक. ये एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है फ्यूम्स कमिंग फ्रॉम समथिंग बर्निंग, कि किसी चीज़ के जलने से हमें फ्यूम्स हासिल हो. नो परफ्यूम स्मेल द सेम ऑन एनी टू पीपल. कहा यह जा रहा है कि अगर हम एक सिमिलर परफ्यूम टू डिफरेंट पर्सन पर अप्लाई करें तो उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस चेंज हो जाएगी. वो इस वजह से क्योंकि जो बॉडी केमिस्ट्री है और बॉडी टेम्परेचर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो हो सकता है उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस भी चेंज हो जाएगी. हिस्ट्री ऑफ परफ्यूम. अगर हम ये कहें कि परफ्यूम का इस्तेमाल रीसेंट सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जो एंशियंट इजिप्ट थे उन्हें परफ्यूम बनाने की आर्ट और उसकी केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. इसी तरह पर्शियन और रोमन में परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत कॉमन था. सेकेंड मिलेनियम BC में मेसोपोटामिया में एक वुमेन थी जिनका नाम टेपूटी था. टेपूटी को वर्ल्ड के फर्स्ट केमिस्ट माना गया और उनको परफ्यूम बनाने की आर्ट के बारे में पता था और उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट परफ्यूम तैयार किया था. इसके साथ साथ 19th सेंचुरी में एक अरब साइंटिस्ट थे अल्किंदी. अल्किंदी ने परफ्यूम के बारे में पहली बुक लिखी. उस बुक का नाम था केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम्स एंड डिस्टिलेशन. इस बुक में परफ्यूम बनाने की 100 से ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद थी. फर्दर ऑन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती गई और सेंचुरीज पास होती गई तो परफ्यूम में वेराइटी आती गई और सोसाइटी के वेल्थी पार्ट में परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता गया. नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम, जो प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक है. ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स. बेसिकली परफ्यूम के 3 ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स या उसके नोट्स हैं. जिस तरह एक म्यूज़िक को बनाने के लिए उसके डिफरेंट नोट्स होते हैं जो मिलके एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह परफ्यूम के भी डिफरेंट नोट्स हैं. नोट्स वो होते हैं जो बेसिकली परफ्यूम्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स या फ्लेवर्स. परफ्यूम के मेजरली 3 नोट्स हैं. सबसे पहला नोट है वो है टॉप नोट. टॉप नोट को हेड नोट भी कहा जाता है. ये नोट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है और जल्दी वेपोरेट हो जाता है. किसी भी परफ्यूम की जो फर्स्ट अपेयरेंस होती है या उसकी जो फर्स्ट फ्रेग्रेंस होती है वो उसका टॉप नोट होता है. टॉप नोट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होती है कि जैसे कि आपने एक फ्रेज सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो अगर आपके परफ्यूम की फर्स्ट फ्रेग्रेंस अच्छी होगी तो वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. टॉप नोट के जो नोट्स हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट होते हैं या एरोमेटिक होते हैं. जैसे कि आपको पता होगा सिट्रस फ्रूट में ज़्यादातर लेमन या ऑरेंजेस आ जाते हैं और एरोमेटिक में हमारे पास लेवेंडर या लेमन ग्रासेस है. जो टॉप नोट है वो सेलिंग्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप परफ्यूम बाय करने जाते हैं तो आप उसकी फर्स्ट फ्रेग्रेंस को नोट करके ही आप परफ्यूम बाय कर लेते हैं. तो अगर उसका टॉप नोट अच्छा होगा तो आप वो परफ्यूम फ़ौरन बाय कर लेंगे. जो टॉप नोट का लास्टिंग टाइम है वो मैक्सिमम 5 to 15 मिनट तक होता है. जैसे ही टॉप नोट डेसिपेट होने लग जाता है तो उसके बाद आता है मिडल नोट. मिडल नोट को परफ्यूम का हार्ट नोट भी कहते हैं. इस नोट की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है. ये जैसा कि आपको नाम से पता चला कि मिडल नोट परफ्यूम का हार्ट बनाता है, तो इसका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है. इस नोट के जो फ्लेवर्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ज़्यादातर हैं फ्लोरल, ग्रीन, फ्रूटी या स्पीशी. फ्लोरल में फ्लावर्स ऑब्वियसली यूज होंगे, ग्रीन में हमारे पास लीव, स्टोन के ग्रासेस, फ्रूट में फ्रूटी स्मेल्स हो जाएंगे हमारे पास, और स्पीशीज़ में हमारे पास एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और प्लांट स्पीशीज़ भी, जैसा कि सिनेमम या क्लोव. जो मिडल नोट है उसका लास्टिंग टाइम 1/2 hour to 1 hour तक होता है. जैसे ही मिडल नोट डेसिपेट होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास बेस नोट आता है. जैसे कि जब आप एक परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेग्रेंस में एक डेप्थ या सॉलिडनेस आ जाती है
और एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस आपके साथ रहती है वो उसका बेस नोट होता है। बेस नोट बेसिकली परफ्यूम की बॉडी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिडनेस होती है और एक डेप्थ होती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बेस नोट का लास्टिंग टाइम 6 आवर तक होता है और अगर एक अच्छा परफ्यूम है तो उसके बेस नोट का लास्टिंग टाइम 1 दिन तक भी हो सकता है। बेस नोट के जो फ्लेवर्स हैं उसमें ज़्यादातर वुडिड होते हैं और बल्सैमिक होते हैं। वुडिड में हमारे पास आ जाते हैं सिडार, मॉस या पेकोली और बल्सैमिक में हमारे पास आ जाते हैं वेनीला वगैरह। बेस नोट में ज़्यादातर हमारे पास फिक्सेटिव का इस्तेमाल भी होता है क्योंकि फिक्सेटिव जो परफ्यूम की फ्रेगनेंस है उसको होल्ड किए रखते हैं और उसको जल्दी इवेपोरेट नहीं होने देते। अब मैं आपको चंद परफ्यूम की एग्जांपल्स दूंगी और उनके नोट्स के बारे में बताऊंगी कि उनमें कौन कौन से नोट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि सबसे पहले है बर्बरी। बर्बरी के जो मेन नोट है उसमें पीच, वनीला और एप्रिकोट है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि टॉप नोट में कौन से फ्लेवर हैं, मिडल नोट में कौन से, तो जब आप एक परफ्यूम देखें तो आप उसको नोट कर सकते हैं कि इसमें बेस नोट कौन सा है, उसका टॉप नोट कौन सा है। नेक्स्ट है चैनल। चैनल के परफ्यूम के जो मेन नोट्स हैं उसमें पेकोली, ऑरेंज और रोज़। नेक्स्ट इज़ क्रिश्चियन डायर। क्रिश्चियन डायर के जो मेन नोट हैं उसमें एम्ब्रेट, आयरिस और लेवेंडर यूज़ होते हैं। लास्ट इज़ क्रीट। क्रीट का परफ्यूम, जैसे कि अगर आप में से कोई क्रीट का परफ्यूम यूज़ करता है तो उसको पता होगा कि इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसका बेस नोट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लास्टिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके जो मेन नोट्स हैं उसमें लेमन है, आयरिस है और सैंडलवुड है। बेसिकली ज़्यादा लोग जो सिट्रस फ्रूट है उनकी स्मेल उसके फ्लेवर्स को बहुत पसंद करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है डिल्यूशन क्लासेस। बेसिकली डिल्यूशन क्लासेस वो होती हैं जो परफ्यूम को डिफ़ाइन करती हैं, उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करती हैं और उनको आपस में डिफ़र करती हैं। परफ्यूम की जो डिल्यूशन क्लासेस हैं उसमें हमारे पास है पैरफम और एक्सट्रेट, ऑडी पैरफम, ऑडी टॉयलेट, ऑडी कलोम और ऑफ्राशे। अब इसकी कंसंट्रेशन किस तरह डिफ़र करती है और ये होते क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप हम बॉटम से स्टार्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है आफ्टर फ्लैश। ये परफ्यूम की टाइप तो नहीं लेकिन ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है आफ्टर शेव या स्प्लैश के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। इसमें जो फ्रेग्रेंट ऑयलिंग या एसेंशियल ऑयल उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसकी कंसंट्रेशन 0 से 1% तक होती है और लास्टिंग टाइम हाफ आवर तक होता है या मैक्सिमम 1 आवर तक चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफ्राशे। ऑफ्राशे सबसे लीस्ट सॉल्ट परफ्यूम की टाइप है क्योंकि इसका लास्टिंग टाइम सबसे कम होता है। इसमें जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो 1 से 3% तक होती हैं और लास्टिंग टाइम इसका 3 आवर है या इससे भी कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हम टॉप पे जाते जा रहे हैं, हमारे पास है ऑडी कोलोन। ऑडी कोलोन की जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये बहुत चीप परफ्यूम है। फ्रेगरेंस बस ठीक होती है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसा कि आपको बताया कि कुछ हर पर्सन टू पर्सन परफ्यूम के फ्लेवर वेरी करते हैं। इस परफ्यूम में हमारे पास जो कंसंट्रेशंस होती हैं एसेंशियल ऑयल और अरोमा कंपाउंड्स की वो 2 से 4% होती हैं। इसका लास्टिंग टाइम 3 से 4 आवर तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडी टॉयलेट। ऑडी टॉयलेट एक बहुत अच्छा परफ्यूम होता है। इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत नाइस होती है, डेलिकेट होती है। इसमें जो एसेंशियल ऑयल की फ्रेगनेंस है वो 5 से 15% तक होती है और लास्टिंग टाइम 4 से 6 आवर तक होता है। इसका लास्टिंग टाइम इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ऑडी कोलोन से ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन है, तो जितनी कंसंट्रेशन अच्छी होंगे हमारे पास लास्टिंग टाइम भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑडी पैरफम। ऑडी पैरफम में जो कंसंट्रेशन होती हैं वो 15 से 20% होती है। इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत मैजिकल होती है और लास्टिंग टाइम 6 से 8 आवर तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरफम या एक्सट्रेट। किसी भी परफ्यूम की जो ट्रू कंसंट्रेशन होती है वो 20 से 30% होती है जो पैरफम में आती है। पैरफम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम होते हैं, ये ज़्यादातर स्मॉल बॉटल्स में अवेलेबल होते हैं। इनकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन अगर आप अप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। लास्टिंग टाइम इसका ज़्यादातर 12 आवर तक होता है या एक अच्छे परफ्यूम का लास्टिंग टाइम 1 दिन तक भी होता है। इसी तरह आप नोट कर सकते हैं कि किस तरह परफ्यूम वेरी करते हैं। अब ये चंद परफ्यूम है, इसकी एग्जांपल है। जैसे कि आप जब परफ्यूम बाय करने जाते हैं तो उसके ऊपर लेबल में लिखा होता है कि ये ऑडी कोलोन है, ऑडी टॉयलेट है, तो आप उसे जान सकते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी इसमें एसेंशियल ऑयल की और फ्रेगनेंट ऑयल की और इसका लास्टिंग टाइम कितना है, अगर आपको उनके बारे में नॉलेज हो। सबसे पहले है मिस डायर का परफ्यूम। मिस डायर का परफ्यूम ऑडी पैरफम है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑडी पैरफम की स्मेल
बहुत ही प्लेजेंट और मैजिकल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है गुची फ्लोरा का परफ्यूम। गुची फ्लोरा में ऑडी टॉयलेट होता है, ऑडी परफ्यूम से इसमें लेस कंसंट्रेशन होती है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा परफ्यूम होता है। सबसे टॉप पे जो हमारे पास आता था परफ्यूम, ये सेवेज का परफ्यूम है डायर। इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसका लास्टिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन केमिकल और कंपाउंड ऑफ परफ्यूम्स। अब ये वो चीज़ें हैं जो परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए असेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंट ऑयल्स की। तो अब मैं बताऊँगी आपको कि ये असेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंट ऑयल होते क्या हैं। जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट, उसके फ्लेवर क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रेग्रेंस ऑयल। फ्रेग्रेंस ऑयल वो ऑयल होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, इनको कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको ज़्यादातर लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं असेंशियल ऑयल। असेंशियल ऑयल वो ऑयल होते हैं जो नेचुरल होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से, वो प्लांट सोर्सेज भी हो सकते हैं और एनिमल सोर्सेज भी। प्लांट सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं फ्लावर्स, हर्ब और शर्ब्स। एनिमल में हमारे पास मस्क वगैरह आ जाते हैं, एनिमल फैट्स आ जाते हैं। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाटर एंड अल्कोहल। वाटर एंड अल्कोहल परफ्यूम की कंसंट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अल्कोहल में मोस्ट कॉमनली हमारे पास इथाइल अल्कोहल्स यूज होती हैं और डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ किया जाता है। इथाइल अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को स्प्रेड होने में मदद करते हैं और उसको डाइल्यूट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अरोमा कंपाउंड्स। जैसे आपको नाम से पता चला होगा, अरोमा मीन समथिंग रिलेटेड टू स्मेल, फ्लेवर। इनको ऑडरेंट, अरोमा या फ्रेग्रेंस और फ्लेवर कहा जाता है। ये वो केमिकल होते हैं जो परफ्यूम की अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, ज़्यादातर लेबोरेटरी परफ्यूम सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। अब किसी भी परफ्यूम में जो अरोमा कंपाउंड्स यूज़ होते हैं उसके लिए दो कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो इजीली स्प्रेड हो सके, ज़्यादातर वोलेटाइल हो, इवेपोरेट हो जाए और ऑल्फैक्ट्री पार्ट्स में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि वो ऑल्फैक्ट्री जो रिसेप्टर आपके नोज़ में जो ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर हैं उनसे बाइंड हो जाए अच्छे से और एक आपको अच्छी सी फ्रेग्रेंस या स्मेल दें। इस चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड हैं, अरोमा कंपाउंड, उनकी फ्रेग्रेंस और उनके केमिकल स्ट्रक्चर हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी फ्रेग्रेंस यूज़ होती है और किस तरह ये बॉन्डिंग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट की जो फ्रेग्रेंस है वो एथीरियल होती है। एथीरियल फ्रेग्रेंस वो होती है जो बहुत ही मैजिकल होती है, ऐसे लगता है जैसे समथिंग रिलेटेड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक बहुत नाइस और मैजिकल फ्रेग्रेंस होती है। उसके बाद मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट की जो फ्रेग्रेंस है वो स्वीट नेल पॉलिश सॉल्वेंट की होती है। मिथाइल ब्यूटारेट फ्रूटी एप्पल और पाइनएप्पल की स्मेल होती है इसकी। इथाइल एसीटेट की स्वीट या सॉल्वेंट स्मेल होती है। इसी तरह फर्दर हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इथाइल ब्यूटारेट, आइसोएमाइल एसीटेट, पेंटाइल ब्यूटारेट, पेंटाइल पेंटानोनेट और ऑक्टाइल एसीटेट। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनके फ्रेग्रेंस हैं। नेक्स्ट चार्ट में जिस तरह आप देख सकते हैं कि बेंजाइल एल्डिहाइड है, उसकी फ्रेग्रेंस में आलमंड होता है, यूगेनॉल में क्लोव स्मेल होती है और सिनामेल्डिहाइड में सिनेमम स्मेल। ये डिफरेंट फ्लेवर कंपाउंड्स हैं जो कि वेरी करते हैं और इनसे परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो डिफाइन होती है। ये हमारे पास चंद फ्लेवर्स हैं और उनके परफ्यूम्स भी बताए गए हैं कि इसमें कौन से परफ्यूम तैयार किया जाता है, किस परफ्यूम में कौन सा फ्लेवर है। सबसे पहले हमारे पास एडिमम है। एडिमम जो है वो एक्सट्रैक्ट ऑफ सोयाबीन होते हैं, बेसिकली कैपिटाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो स्मेल है इसमें क्रिस्प ग्रीन होती है और इसके परफ्यूम के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें यूज़ होता है बी स्किन ब्लेंस याजिका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबडेनम। लेबडेनम में हमारे पास ज़्यादातर जो गॉड के उसके जो फीट्स होते हैं उसमें से फैट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो उनमें से जो ये गॉड ज़्यादातर माउंटेन्स पे प्रेजेंट होती हैं, तो इनके फीट्स में एक हर्ब और शर्ब्स की स्मेल होती है, तो उस स्मेल और फ्लेवर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें ज़्यादा एम्बर या लेदरी स्मेल होती है और ये ब्लूडी चैनल में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न की जो स्मेल होती है उसमें बटरी सी रिच स्मेल होती है और ये मिस डायर के परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केटोल। स्केटोल की जो एक स्मेल है वो बहुत फाउल स्मेल होती है, लेकिन जब इसको फ्लावर के साथ मिक्स किया जाता है तो एक फ्लोरल नेचुरल स्मेल प्रोड्यूस होती है। और ये किस परफ्यूम में इस्तेमाल होती है, उस परफ्यूम का नाम है म्योरिस चैलेंज न्यूड दी चाइन। इस तरह आपको पता चल रहा है कि हमारे पास परफ्यूम में डिफरेंट फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं,
वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, प्लांट और एनिमल डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आप जो चीज़ बाय कर रहे हैं उसको किस तरह तैयार किया जा रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। किसी भी चीज़ का जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो होता है कलेक्शन, कि उसके सोर्स को कलेक्ट करना, उसके इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट किया जाता है, वो प्लांट सोर्स भी हो सकते हैं, एनिमल सोर्स भी हो सकते हैं। उनको मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में लाया जाता है, अगर वो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल सेंटर या लेबोरेटरी सेंटर्स में। नेक्स्ट में हमारे पास होती है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एन्फ्लोरेज और मैसरेशन। अब इनकी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उसको एक उसमें से एक गैस पास की जाती है, वो गैस उस फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उस गैस को एक ट्यूब में से पास किया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि एक ट्यूब में से पास किया जाता है, उस ट्यूब में कंडेंसर लगा होता है, वो उस गैस को कंडेंस कर देता है और लिक्विफाई कर देता है और उसको एक ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और परफ्यूम की कंपोजिशन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आप में से बहुत लोग, अगर आपने केमिस्ट हैं तो आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में बहुत नॉलेज होगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो परफ्यूम जो फ्लावर्स की पेटल होती हैं या डिफरेंट सोर्स होता है उसको एक सॉल्वेंट के साथ एक टब या ड्रम में मिक्स कर दिया जाता है। वो सॉल्वेंट हमारे पास पेट्रोलियम ईथर हो सकता है, बेंजाइल का बेंजीन का सॉल्वेंट हो सकता है। उस सॉल्वेंट में क्या होता है कि एक वैक्सी वैक्सी जो लीफी मटेरियल है वो हमारे पास अलग हो जाता है और एक सॉल्वेंट अलग हो जाता है, एक सेपरेशन हो जाती है। जो वैक्सी लीफी मटेरियल होता है उसमें से फिर ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एन्फ्लोरेज। एन्फ्लोरेज एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो ग्लास होता है उस ग्लास पे फ्लावर की पेटल्स को स्प्रेड कर दिया जाता है, उस पर एक ग्रीसी मटेरियल लगाया जाता है और फिर उसको फ्लावर के पेटल को स्प्रेड कर दिया जाता है। जैसे टाइम पास होता है जब वो ग्रीसी मटेरियल फ्लावर की फ्रेगरेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर टाइम के बाद उन फ्लावर्स को चेंज कर दिया जाता है और उसकी फ्रेगरेंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैसरेशन। मैसरेशन सिमिलर है एन्फ्लोरेज से। मैसरेशन में क्या होता है कि जो फैटी मटीरियल है या ग्रीसी मटीरियल वो एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रेगरेंस को, जो आपका सोर्स होगा एनिमल अगर सोर्स एक्सट्रैक्ट है या प्लांट ऑयल है, उसकी शर्ब्स हैं हर्ब्स हैं, उसमें से फ्रेगरेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड में से गुजारा जाता है। उसमें से जो फ्रेगरेंट ऑयल वो अलग कर लिए जाते हैं और उनको एक बोतल में सेपरेट कर दिया जाता है। जब ये प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं एक्सट्रैक्शन के, नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास ब्लेंडिंग का। उन ऑयल्स को ब्लेंड किया जाता है। वंस द परफ्यूम्स आर कलेक्टेड दे आर रेडी टू बी ब्लेंडेड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिटरमिंड बाय अ मास्टर इन द फील्ड नोन एज नोज। बेसिकली नोज वो आर्टिस्ट होता है जिसे परफ्यूम बनाने की आर्ट के बारे में पता है, डिफरेंट इमोशन और फ्लेवर के थ्रू परफ्यूम्स बनाने की आर्ट के बारे में पता होता है। अब इन ऑयल्स को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उनको अच्छे से ब्लेंड किया जाता है ताकि एक अच्छी कंपोजिशन तैयार हो जाए। जब वो ब्लेंडिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनको अल्कोहल्स के साथ मिक्स किया जाता है और डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑडिकोलोन होता है, ऑडिटॉयलेट होता है, पैरफॉर्म हमारे पास होता है, तो इनकी मिक्सिंग और उसकी ब्लेंडिंग के तौर पे उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है। मिक्सिंग के बाद उसके बाद एजिंग की जाती है। एजिंग वो प्रोसेस है जिसमें परफ्यूम को एक अनडिस्टर्ब डार्क कोल्ड एरिया में रख दिया जाता है और इसको मंथ्स के लिए भी रखा जाता है, ईयर्स के लिए भी रखा जाता है, ताकि जो परफ्यूम की कंपोजिशन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। परफ्यूम के जो एलिमेंट्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में एक अच्छी सी कंपोजिशन बना ले। जब आपके पास एक प्रोडक्ट के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट प्रोसेस आता है जो एक मेजर प्रोसेस होता है, क्वालिटी कंट्रोल। ये किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज परफ्यूम्स डिपेंड हैविली ऑन द हार्वेस्ट ऑफ प्लांट सब्सटेंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, परफ्यूम कैन बी टर्न इंटू जियोपैराडी और ऑफन रिस्की। ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर हम परफ्यूम तो एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि हमारा सोर्स रिस्क में हो जाए। वो किस वजह से, इफ़ द सीजन क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द डिजीज़ और एडवर्स वेदर, परफ्यूमरी कुड बी इन जियोपैराडी। कहा ये जा रहा है कि अगर हमारा सोर्स प्लांट्स या एनिमल है, एक ऐसा सीज़न आए कि
प्लांट्स में या एनिमल में डिजीज़ कॉज हो जाए तो हमारा सोर्स तो ख़राब हो गया, तो परफ्यूम की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जियो वैरायटी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी और परफ्यूम की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। इन एडिशन कंसिस्टेंसी इज़ हार्ड टू मेंटेन इन नेचुरल ऑयल द सेम स्पीशी ऑफ प्लांट रेज्ड इन सेवरल डिफरेंट एरिया विद द डिफरेंटली स्लाइटली डिफरेंटली ग्रोइंग कंडीशंस मे नॉट यील्ड ऑयल विद एग्जैक्टली द सेम सेंट। बात ये की जा रही है कि अगर हम एक सेम स्पीशी की क्रॉप एक सेम स्पीशी से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो स्पीशी डिफरेंट एरियाज में ग्रो करवाई गई है तो हो सकता है कि उन दोनों के सेंट की जो फ्लेवर्स का फ्रेगरेंस डिफरेंट हो, क्योंकि अगर हमने उसको एक डिफरेंट एरिया पे ग्रो करवाया है तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, उसकी अपटेकिंग और ब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, तो वो परफ्यूम के फ्लेवर और उसकी स्मेल को डिफरेंट कर सकती है। अब ये थे क्वालिटी कंट्रोल के मेथड। इस क्वालिटी कंट्रोल के मेथड के बाद आपके पास आपकी एक प्रोडक्ट पूरी तैयार हो जाती है और वो मार्केट में जाती है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन। होप यू लाइक माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला।